प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि आज जो वचन आज सुनेंगे ये आपको और आपकी जनरेशन को चेंज करेगा और उन्हें ब्लेस करेगा। मैं पंजाबी च भी प्रचार कर सकता लेकिन मैं हिंदी दे विच करांगा ताकि जो दूसरे स्टेट्स लोग सानू देख रहे हैं वो भी इस प्रचार नू समझ सकन और परमेश्वर की सालवेशन और मुक्ति उन्हां तक भी पहुंच सके। अपने हाथ को उठा बोलो खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तारीफ करो खुदावन की एक बार जोर से। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए चुना है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपने बपतिस्मा लिया है तो बाइबल कहती है आप चुने हुए लोग हैं। जेंट साइड सब बैठ जाओ वॉलंटियर खास तौर पे। जेंट्स बैठ जाओ कोई मूवमेंट नहीं चाहिए अगले 10-15 मिनट 20 मिनट। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है बाइबल कहती है आप चुने हुए लोग हैं आप राजपदधारी हैं आप याजकों का समाज हैं। आप चाहे यहां लाखों बैठे हैं लेकिन बाइबल कहती है अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है आपने बपतिस्मा ले लिया है तो आप चुने हुए लोग हैं। पहले क्या बोलते थे कि हाँ जो पास्टर्स लोग हैं ये चुने हुए लोग हैं जो लोग सेवा करते हैं ये लोग चुने हुए हैं और ये हम लोग बुलाए हुए हैं लेकिन ये खास लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं और इन्हीं से परमेश्वर काम करता है और इन्हीं के जरिए परमेश्वर बात करता है। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं कहता। पुराने नियम में बाइबल कहती भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर चुनता था भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और जब परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरता था और वो काम करता था वो भविष्यवाणी करते थे और परमेश्वर का आत्मा उनके जरिए से बात करता था उनके जरिए से काम करता था उनके जरिए से मिरेकल करता था और लोग उनको देखते थे और उनका पीछा करते थे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा था अंत के दिनों में ऐसा नहीं होगा। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा सबके ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी तुम्हारे दास तुम्हारी दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। इधर की आवाज बंद करो कहां से आ रही है। अपने पड़ोसी को बोलो तुम चुने हुए हो। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। लेकिन शुरुआती दिनों में क्या होता था कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर उतरता था एक मकसद को पूरा करता था सेवकाई के मकसद को कि परमेश्वर मान लो सैमसन के ऊपर उतरा और एक देश को परमेश्वर बचाना चाहता है और उसके बाद वो देश बचता था और लोग सैमसन की सुनते थे और परमेश्वर का आत्मा जितनी देर तक काम करना चाहता था करता था उसके बाद चला जाता था कभी आता था। इस तरह से परमेश्वर कार्य करता था। लेकिन बाइबल कहती है योएल 2 उसकी 28 में अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा कहता है वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। इसीलिए 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा और जब बाहर लोग जो त्योहार मना रहे थे पेंटिकोस्ट का वो उन लोगों पे नहीं उतरा जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे वो उन लोगों के ऊपर उतरा जो पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे जो पेंटिकोस्ट के दिन को नाम मानकर प्रार्थना कर रहे थे बाइबल कहती है। और 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा और सब लोग कहने लगे कि ये कोई नशा किया इन्होंने ये गैर भाषा में बातें कर रहे हैं ये शराबियों की जैसी एक्टिंग कर रहे हैं कोई नशा किया है। लेकिन बाइबल कहती पतरस उठा उन 11 के बीच में खड़ा होकर बोला कि जो कुछ तुम देख रहे हो यह परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इस वचन से कि परमेश्वर तूने कहा अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों के ऊपर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। बाइबल कहती जब वो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे तो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। किस कारण उतरा वो किस कारण उतरा मैं अब आऊंगा उस चीज के लिए।
कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर अंत दिनों में उंडेलूंगा, उसका मकसद क्या है आपको आत्मा देने का। बाइबल कहती है अय्यूब की पुस्तक में जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है अय्यूब एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को मानता था, लिखा वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1 उसकी 1 से 22 आयत आप घर जाके पढ़ेंगे और कुछ आयतों को मैं यहां पे पढ़ूंगा। बाइबल कहती है वो बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती है उसके हजारों भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, उस समय में ऊंट होते थे, बैल होते थे, गदियां होती थी, यही ट्रांसपोर्ट होती थी, यही अमीरी का जरिया होता था, जमीनें थी उसके पास और लिखा इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था और सबसे अमीर था। लेकिन भाई आज अगर किसी अमीर व्यक्ति को आप देखते हो आपको लगता है कि इसने गलत तरीके के साथ पैसा कमाया है, लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अगर आप अय्यूब के लास्ट बाब को अध्याय को पढ़े, 42 आयत की लास्ट 3 आयतों को पढ़े तो आपको यह मालूम होता है कि अय्यूब जो था वो इस दुनिया में 140 साल तक जीवित रहा। अय्यूब की पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि वो कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप पुराने नियम में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आपको यह मालूम होता है कि अय्यूब की जो उम्र के हिसाब से अय्यूब याकूब के कुछ ही वंशों में से था। याकूब की उम्र 147 साल की थी जब वो मरा, जब वो प्रभु के पास चला गया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब की उम्र 147 साल की थी और जब अय्यूब मरा तो वो 140 साल के करीब था। पहले जो इंसानों की उम्र होती थी वो 969 साल, 970 साल होती थी, लेकिन जब वो पाप में गिरते गए तो परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा सदा इंसानों के साथ वाद विवाद नहीं करेगा, मैं इसकी उम्र को 120 साल करता हूं। लेकिन वो उम्र 120 आते आते टाइम लगा, अब्राहम की उम्र 187 190 के करीब थी, उसी तरह से आगे आगे उम्रें कम होती गई जब तक 120 तक वो मूसा के टाइम पे टिक नहीं गई। 140 साल की उम्र का मतलब यह है कि अय्यूब उस जमाने में था जब याकूब रहता था। जब याकूब इस दुनिया में रहता था तो वचन कहता है कि तब कोई भी परमेश्वर का वचन लिखित रूप से उनको नहीं मिला था, क्योंकि मूसा अब तक नहीं आया था, क्योंकि लिखित वचन सारा परमेश्वर ने मूसा को दिया, 10 नियम परमेश्वर ने मूसा को दिए, व्यवस्था जो थी परमेश्वर ने मूसा को दी। उसके पास कोई भी लिखित बाइबल नहीं थी, लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इस वचन को समझने के लिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। वचन कहता है जब आप अय्यूब की पुस्तक 29 उसकी जब आप अय्यूब की पुस्तक 29 बाब को पढ़ते हैं आपको उसमें समझ आता है कि अय्यूब क्यों आशीषित था। अय्यूब 29 उसकी 11 से 16 में लिखा, अय्यूब कहता है कि जब कोई मेरा समाचार सुनता मुझे धन्य कहता था, जब कोई मुझे देखता तो मेरे विषय में गवाही देता था। मैं अनाथों को छुड़ाता था, मैं दुहाई देने वाले दीन जन को भी छुड़ाता था, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वचन कहता है कि अय्यूब इसीलिए आशीषित था क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था। बाइबल कहती है जो कुछ तूने धरती पर मेरे छोटों के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। वचन कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्ग जाने वाले बच्चों को बोलेगा कि धन्य हो तुम, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं जेल में था तुम उससे मिलने के लिए आया, और अपने लेफ्ट हैंड साइड के लोगों को जो नरक में जा रहे होंगे उनको बोलेगा कि मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तूने कपड़े नहीं पहनाए, और लोग बोलेंगे परमेश्वर हमने कब तुझे भूखा देखा कि तुझे खाना दिया, कब तुझे नंगा देखा कपड़े पहनाए, और परमेश्वर बोलेगा जो तुमने छोटों के साथ किया, छोटे से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। बाइबल कहती है अय्यूब परमेश्वर की सेवा करने वाला इंसान था। वचन कहता है कि अय्यूब परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु का डर मानने वाला और सेवकाई करने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर की बरकत उस पर थी। और जब स्वर्ग दूत इकट्ठा हुए और शैतान भी उनके बीच में आया और परमेश्वर ने कहा ए दुष्ट कहां से आता है, उसने कहा धरती पर डोलते डालते घूमते घामते आया हूं। यहोवा पिता ने परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके जैसा मेरा डर मानने वाला, भय मानने वाला और कोई भी नहीं,
शैतान परमेश्वर से बहसने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास उसकी चीजों के पास बाड़ा नहीं बांधा हुआ, क्या तूने उसे बरकत नहीं दी है, अपनी अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो तेरा तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा। शैतान को मालूम था कि अय्यूब एक सेवक है, शैतान को मालूम था अय्यूब की जिंदगी की आशीष का राज, उसकी उसकी फाइनेंशियल बरकत का राज, उसकी प्रॉपर्टी का राज, उसकी फैमिली की ब्लेसिंग का राज, उसकी सेहत का राज जो था वो परमेश्वर की सेवा करना था। बाइबल कहती है कि वो अनाथों का छुड़ाने वाला और विधवा आनंद के मारे गाती थी जब उसे देखती थी। वो उन 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 दानवीरों की तरह नहीं था कि विधवा को एक एक सेब दिया और 10 तरह की फोटो खिंचा ली विधवा के आसपास, एक बोरी आटा दे के 15 फोटो खिंचा ली और हर जगह यूट्यूब और फेसबुक भर दिया। वो इस तरह का दानवीर नहीं था, वो इस तरह का दानवीर नहीं था कि विधवा को देके सिर्फ 100 रुपया 500 रुपया आज के हिसाब से 1000 रुपया दे के बोले कि मैंने बड़ा दान कर दिया। आनंद के मारे गाती थी, यानी वो इतना देता था कि वो उछल पड़ती थी, पति ना होने के बावजूद भी आनंद के मारे गाने लगती थी। किसी का घर नहीं होता था वो घर बना के देता था, जिसके बच्चों की शादी नहीं होती थी वो शादी करा के देता था। बाइबल कहती वो परमेश्वर की सेवकाई को करने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। और शैतान जब उसे उजाड़ने के लिए आता था तो कहता था कि मैं उसे उजाड़ नहीं सकता हूं क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। और परमेश्वर ने उससे शैतान को बोला कि तू क्या कहता है कि अगर मैं उस पर अपना हाथ उठा लूं उससे तो क्या क्या करेगा। उसने कहा वो तेरा डर, अगर वो मानता है तूने उसे बरकत दी है तो उससे बरकत वापस ले ले, वो तेरा डर मानना बंद कर देगा। और इस तरह से शैतान उसके साथ परमेश्वर के साथ बहसने लगा और परमेश्वर को कन्विंस करने लगा कि वो अपना हाथ अय्यूब पर से उठा ले और मुझे उसे नाश करने का मौका दे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों वो अपना आत्मा आपको देगा? बाइबल कहती है परमेश्वर कुछ भी फालतू आपको नहीं देता। आपके घर में अगर फ्रिज है तो एक ही होगा, अगर दो है तो उसकी जरूरत होगी। आप बिना फालतू के घर में आपने अपनी छत पर 10 पंखे नहीं लगाए होंगे, एक लगाया होगा या 2 लगाए होंगे, बहुत बड़ा हाल होगा तो 4 लगाए होंगे, लेकिन आपने 50 पंखे वहां नहीं लगाए होंगे। आप उन चीजों को नहीं लगाते, नहीं खरीदते जो आपके फायदे की नहीं है। तो परमेश्वर क्यों अंत के दिनों में ऐसा कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों को देगा? मैं दाऊद को देता था अपना आत्मा, सुलेमान पर उतरता था, सैमसंग पे उतरता था, अलीशा पे अलाइजा, अलीशा दोनों पे उतरता था, अलीशा पे अलाइजा पे उतरता था, एलिया पे उतरता था हिंदी में, हाँ उसका आत्मा सैमसंग पे उतरता था, शैमूल पे उतरता था, किसी किसी पे उतरता था। लेकिन वो क्यों ये कह रहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबको दूंगा, मैं 12 साल वाले को भी दूंगा, मैं 80 साल वाले को भी दूंगा, विश्वासी को भी दूंगा, प्रेरित को भी दूंगा, पास्टर को भी दूंगा, वॉलंटियर को भी दूंगा, एक 6 महीने के विश्वासी को भी दूंगा। वो क्यों आपको अपना आत्मा देना चाहता है? वो क्यों आपको ब्लेस करना चाहता है अपनी आत्मा के साथ? वो आज भी ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझ पे पवित्र आत्मा उतरे, मैं आपके लंगड़ों को चंगा करूं, आपके अंधों को आंखें दूं यीशु के नाम में और आप मेरे पीछे चलें? लेकिन बाइबल कहती है अब नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में उसने कलीसिया में प्रेरित ठहराए हैं, सबसे पहले भविष्यद्वक्ता ठहराए हैं, इवेंजलिस्ट ठहराए हैं, पास्टर्स ठहराए हैं, टीचर ठहराए हैं। लेकिन उसने एक और काम किया है, वो ये चाहता है कि आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरें। लेकिन क्यों, वो क्यों आपको अपना आत्मा देना चाहता है? अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकों को बोला कि जितने मेरे याजक हैं, याजक यानी सेवा करने वाले लोग, कुछ तंबू को उठाते थे, तंबू उठा के आगे आगे चलते थे, और कुछ लोग बाइबल कहती है अंदर जाके दीप जलाते थे, कुछ लोग अंदर की सफाई करते थे, अलग अलग तरह की सेवा थी। याजक लोग पाप बलियां मेल बलियां चढ़ाते थे, महायाजक लोग साल में एक बार लहू लेकर पवित्र परम पवित्र स्थान में तंबू के अंदर जाते थे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था मेरे याजक लोग जो होंगे मैं उन्हें बेस्ट आशीष दूंगा, मैं उन्हें उत्तम से उत्तम तेल दूंगा। यानी अगर 10 तरह का तेल है जो इस पंजाब में, मैं बोलूं कि 10 तरह का अच्छे से अच्छा सरसों का तेल लेके आओ, तो परमेश्वर ने कहा जो बेस्ट 10 होंगे और 10 में से जो बेस्ट होगा मैं अपने याजक को दूंगा, मैं उसे उत्तम तेल दूंगा, उत्तम पानी दूंगा, उत्तम खाना दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा,
उत्तम आशीष दूंगा, मैं इसके परिवार पर, मैं इसके फाइनेंस पर, मैं हर तरफ इसको आशीष दूंगा। परमेश्वर ने याजकों के साथ ये वायदा किया था। अब बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और वो मारे गए और वो जी उठे। जब बाइबल कहती है वो जी उठे और जब मरियम उनको छूने के लिए जा रही थी तो परमेश्वर ने कहा मरियम अभी मत मुझे छू क्योंकि मैं पिता के पास अभी नहीं गया हूं। क्योंकि बाइबल कहती है पुराने नियम में जब तक महायाजक जो था जब महापरम पवित्र स्थान में अंदर जाता था तो कोई उसे टच नहीं कर सकता था, उसको रस्सी से बांधा जाता था ताकि अगर वो पापी हो और मर जाए तो रस्सी से उसे बाहर खींच लिया जाए, कोई भी उसे टच नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा मैं अपना लहू लेकर एक ही बार पिता के सामने जा रहा हूं, अभी मुझे मत छू, मैं अपना लहू महायाजक बनकर चढ़ाऊंगा। और फिर वचन कहता है प्रकाशित वाक्य एक उसकी 5 और 6 आयत में कि परमेश्वर जब यीशु मसीह मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो क्या हुआ, परमेश्वर ने अब वो याजक वाला पुराना नियम खत्म कर दिया। और बाइबल कहती है अब जितने परमेश्वर को मानेंगे वो सारे याजक कहलाएंगे और वो सारे राजा कहलाएंगे। अब आपको अपने पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पाप माफ कराने के लिए याजक के पास आने की जरूरत नहीं है, आप खुद याजक हैं, आप खुद अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह बन गए और हम सब लोग याजक बन गए। अगर हम लोग याजक बन गए तो व्यवस्था कहती है कि याजकों को परमेश्वर उत्तम देगा और याजकों का यह काम होगा कि वो परमेश्वर की सेवकाई को करें, वो परमेश्वर की सेवा को करें। इसीलिए जब यहोशू सब लाखों इज़राइलियों को इकट्ठा करता है और कहता है मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा पर तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, अगर सेवा थोड़े लोगों ने करनी होती, अगर परमेश्वर की आज भी ये इच्छा है कि मैं सेवा करूं मेरा घराना ना करे, आप सेवा करें आपका मोहल्ला ना करे, बस एक एक लोग चुने जाएं और वो सेवा करें और बाकी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाओ, मत्ती 28 उसकी 18 से 20 तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने किसको कहा, ये चेलों को नहीं बोला, चेलों को नहीं कहा। जब परमेश्वर ये वचन दे रहे थे तो वचन कहता है वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, वहां 12 प्रेरित भी मौजूद थे यहूदा इस्करियोती को छोड़ के, वहां पे और भी लोग मौजूद थे, आने वाले प्रेरित, अपकमिंग प्रेरित, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट, विश्वासी सब मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ प्रेरितों को बोलना होता कि जाओ सेवा करो तो परमेश्वर पब्लिक में ऐसा मैसेज ना देता, पर उसने बाइबल कह दी 500 लोगों के बीच में मैसेज दिया अब तुम लोग जाओ और मेरी सेवा करो क्योंकि तुम लोग याजक बन चुके हो। जब मैंने लहू को बहा दिया, जब महायाजक बन के अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अब तुम राजा हो और याजक हो, अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें अय्यूब की तरह बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, नहीं तो वो कभी ना कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, मुझे क्यों चाहिए उसका आत्मा अगर मुझे सेवा नहीं करनी तो। बाइबल कहती है 7 लोग रोटी बनाने के लिए चुने गए, जब प्रेरितों का काम बढ़ गया तो लोग बोलते थे कि रोटी नहीं खिलाते मेरी विधवाओं को, तो प्रेरितों ने 7 लोग चुन लिए जो रोटी बनाएंगे, लेकिन बाइबल कहती वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो भी लंगड़े चलाने की ताकत को और सामर्थ को रखते थे। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है, एक एक जन जो यीशु मसीह में विश्वास करता है आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं। क्यों हमारी घरों में बरकत नहीं मालूम, क्यों हमारे घरों में आज शैतान नाच रहा है, क्यों गरीबी के श्राप नाच रहे हैं, क्यों अभी तक आप सिर नहीं बने और पूंछ हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, जब तुम परमेश्वर के एक एक वचन जो उसके मुंह से निकले पूरा करोगे तो वो भी अपने वचन जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं वो उनको पूरा करेगा। लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कंडीशन है, जो कोई मेरी बातों को सुने, अगर तुम अपने मन को कठोर ना करो, कंडीशन है परमेश्वर के वचन के ऊपर। उसने कहा अगर तुम मेरी सेवा को करोगे तो मैं तुमको सबसे बड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा।
आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा करना चाहता है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके परिवार में आप पहले होंगे जो कर्ज को खत्म करके सबसे ऊपर जाएंगे। आप भी के इलाकों से, आप भी के एरिया से, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं फॉरेन कंट्री में जो दिहाड़ी करते थे, जिनके बाप दादा दिहाड़ी करते थे, और आज वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, आज वो अरबों खरबों में खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया और एक काम करना शुरू किया, यहोवा की सेवा करना शुरू की। जब मैं 6 महीने का विश्वासी था तो ले हैंड करना शुरू कर दिया था, जब मैं 2 महीने का विश्वासी था तो प्रचार करना शुरू कर दिया था, मैंने प्रीच किया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है, क्योंकि मैं एक बात को जानता था कि मुझे सेवा करनी है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों के घरों में बरकत नहीं है? बाइबल के मुताबिक आप कर्जा देने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन अभी भी कर्जा आपके सिर के ऊपर है। वचन कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा, अगुआ बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच हम सिर हैं? क्या सचमुच अगुए हैं? बाइबल कहती है अय्यूब सबसे ऊपर था, प्रॉपर्टी वाइज, बरकत वाइज, आत्मिक चीजों के वाइज, सेवा वाइज। क्यों? परमेश्वर का भय भी मानता था और परमेश्वर की सेवा भी करता था। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर। आप स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन आप सेवा कर सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, रोज प्रचार कर सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, रोज यीशु मसीह के बारे की, यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सकते हैं, जो आपकी चर्च में होता है आप वो बता सकते हैं, जो कुछ प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया आप वो कर सकते हैं, अपनी चर्च की इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं, पोस्टर्स को बांट सकते हैं, पंफलेट को बांट सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे परमेश्वर के काम को और वचन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपके पास बरकत नहीं है तो उसका रीजन ये है कि आप लोग सेवा में नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों की जमात बनाने के लिए खड़ा नहीं किया है, उसने मुझे पास्टर्स उठाने के लिए खड़ा किया है। मैं यहां विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्टर्स से बात कर रहा हूं, मैं इवेंजलिस्ट से बात कर रहा हूं, प्रेरितों से बात कर रहा हूं, प्रोफेट से बात कर रहा हूं, जो आपके बीच से उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आदमी नूचे तो यह बरकत आप पे और आपके परिवारों पे बढ़ा रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के परिवार डालूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि हर एक आदमी, हर एक औरत इस्तेमाल की जाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम सब अब जाना और सब लोग अन्य जातियों को, दूसरे लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? कि उन्हें बताना कि बाप ने यीशु को भेजा, वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो जी उठा और उसने फिर पवित्र आत्मा को भेजा, जो आज वही काम यहां करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किए। अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपको खराब करना चाहता है, वो आपको तबाह करना चाहता है, वो चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, वो ये चाहता है आप कर्ज में रहें, वो ये चाहता है आप बीमार रहें, वो ये चाहता है पूंछ बन के रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी से पूरा हो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला कर लिया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उत्तम से उत्तम चीजें आपके परिवार में आना शुरू होंगी। उत्तम आपका परिवार होगा, आपका पार्टनर होगा, उत्तम आपका फाइनेंस होगा, उत्तम आपका कैरियर होगा, उत्तम आपकी सेहत होगी, उत्तम आपकी सेवकाई होगी, उत्तम आपका परिवार होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? बाइबल कहती है अय्यूब उसकी सेवकाई को करने वाला इंसान था, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो, जब हम वचन पढ़ते हैं उसे लग, परमेश्वर उनको लगता है ये एक अमीर इंसान की परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो अमीर ऐसे नहीं हुआ। जब एक चर्च में 30 भेड़े होती हैं, रूहें होती, लोग होते हैं, अगर उनको अच्छी खुराक मिले तो भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं, अगर उनको अच्छी खुराक ना मिले वो भेड़े बांझ रह जाती हैं। जब खामरा चर्च की शुरुआत हुई तो 3 भेड़ों से 3 लोगों से हुई थी। उनको वचन दिया गया, उनको वचन पे चलाया गया, लोग बोलते वो हीलिंग मिनिस्ट्री है। हाँ, वहाँ हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग मिनिस्ट्री इस तरह से शुरू हुई है कि 10 साल मैंने खुद की हीलिंग के बिना वो मिनिस्ट्री को किया है और परमेश्वर ने मेरी हीलिंग के बिना लोगों को हील किया और एक टाइम आया जब मुझे भी हील किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में आज कुछ करना चाहता है, वो ये चाहता है आप एक फैसला करें। आपको तो मैं अनपढ़ हूं,
मुझे कुछ नहीं पता। आप अनपढ़ हैं, आप टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सीरियल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी की चुगली कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में बात कर सकते हैं, तो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम है। बाइबल कहती है जो यीशु का असली विश्वासी है वो रोज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने आपके लिए एक बरकत रखी है। जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, आप मैं आपको गारंटी देता हूं, आप प्रार्थना करते रहेंगे और एक दिन विश्वास आपका टूट जाएगा, क्योंकि आप गलत प्रार्थना करते रहे। आपको यह मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। तुम मांगोगे तुम पाओगे जब तुम मेरे नाम की महिमा के लिए मांगोगे। जब मैंने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर मुझे सैकड़ों एकड़ जगह चाहिए, लेकिन एकदम से ऐसे नहीं कि सैकड़ों एकड़ अभी आ जाए, परमेश्वर मुझे तेरा काम करने के लिए चाहिए। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर, मेहनत को देखकर बढ़ाता गया, और वो सारे दर्शन पूरे होते गए और वो और भी आगे बढ़ते जा रहे, जो मेरे विजन है पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे होगा ये सब? जब आप एक कदम को उठाएंगे। आपको मालूम है आपका पड़ोसी नशेड़ी है, आपको मालूम है आपके पड़ोस में नशा बिकता है, आपको मालूम है कि आपका रिश्तेदार बीमार है, लेकिन आपने कभी यीशु मसीह के बारे में उसे नहीं बताया, आपने कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, आपने कभी लोगों के वंश को नहीं बचाया। लेकिन जब अपने वंश में दिक्कत आती है और हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मेरा वंश बचा, तो बाइबल कहती है जो तूने बोया वो तूने काटा। तुमने कभी दूसरों का वंश बचाया नहीं, दूसरों को वचन दिया नहीं, दूसरे के लिए तुम कभी आशीष का कारण बने नहीं, तुमने कभी मेरे सेवा की नहीं, तो जो तुम बो रहा, तो तुमने बोया वो तुम आज काट रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के नबी, परमेश्वर का नबी एक दास के पास जाके बोलता है कि तेरी उम्र खत्म हो गई, 15 साल तेरी उम्र खत्म हो गई, अब तू मरने वाला है। वो दास खुदा की तरफ मुंह करके बोलता है परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चला हूं, मैंने ये किया ये किया। खुदा कहता है मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। लोग इस तरह से बोलते, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना देखे, सुने तेरे आंसू देखे हैं, लेकिन परमेश्वर आंसुओं से काम नहीं करता। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो, वो आंसुओं के साथ काम नहीं करता। मेरा परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसने प्रार्थना की, उसने अपने रिकॉर्ड को बताया कि परमेश्वर मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैं तेरे नाम की सेवा करता आया हूं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर, मैंने तेरे नाम की सेवा की है, मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, मैं भय मानकर चलता आया हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना को सुना, उसके रिकॉर्ड को चेक किया। आज जब इमरजेंसी पड़ती है, जब डॉक्टर बोलता है कैंसर हो गया तुझको, जब डॉक्टर बोलता है कि तेरे लाइफ में यह बीमारी हो गई, जब कर्जा बड़ा अटैक करता है, जब कोविड आ गया, फाइनेंस कईयों के उड़ गए, तब क्या करना है? क्या आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि आप खुदा के पास जाकर मर्सी मांग सकें, आप खुदा के पास जाकर दया मांग सकें कि परमेश्वर मेरा पुराना रिकॉर्ड देख और मुझ पर दया कर? लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा आ गई, जो कुछ उसके पास था सारा कुछ छीन लिया गया। उसकी औरत आकर उसे बोलती है कि तेरे बच्चे मर गए, सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब 2 उसकी 9 आयत में लिखा, उसकी स्त्री उसकी पत्नी कहने लगी क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर मरता है तो मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है, क्या परमेश्वर के हाथ से जो हम सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों से अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। आज किन लोगों के पास बरकत है? कौन लोग ऐसे हैं जो सदा छाए रहते हैं? वो लोग जो सेवा कर रहे हैं, और वो लोग जो सेवा करने के बाद अगर परीक्षा आए तो सेवा से हटते नहीं। लोगों को मैंने देखा है, क्या हुआ भाई साहब आप चर्च नहीं आए? भाई साहब मेरा तीसरी बार वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आना चर्च हूं, मैं खुदा नु क्या क्या थक गया, ये खुदा ने भी बताइया हूं साडे घर किन्नी गरीबी है, साडे घर किन्नी आटा है नहीं, साडे घर जे लग जाता वीजा रब का की जाना सी। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब का सारा कुछ चला गया, अय्यूब ने एक भी बार अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसी का नाम धन्य है। वो परमेश्वर को गालियां नहीं निकाली, उसने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, क्यों नहीं किया, तू तरक नहीं किया। वो परमेश्वर की रजा में रहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसकी औरत बोलने लग गई अब परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु को गालियां निकाल। उसने कहा जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हालेलुया। परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, चर्च जाना छोड़ दिया। परमेश्वर ने वीजा नहीं दिया, चर्च जाना छोड़ दिया।
कोई घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए, चर्च गए कितनी देर हो गई, हाँ जाते हैं क्रिसमस वाले दिन जाते हैं और ईस्टर वाले दिन जाते हैं। हालेलुया, ऐसा काम करने के लिए तो परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। अय्यूब इसीलिए ब्लेस था क्योंकि वो सेवा करता था, इसीलिए बाद में भी उसकी लाइफ में फिर ब्लेसिंग आई जब वो अपनी परीक्षा में खड़ा रहा, जब वो अड़ा रहा। जब परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए बोला तो मैं बहुत निराश रहता था, क्रूसेड करवाता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, और फिर भी चंगाई मेरी लाइफ में नहीं होती थी, लोग चंगे हो जाते थे, तो मैं प्रभु से निराश रहता था, प्रभु को बोलता था परमेश्वर इस बार तूने चंगा ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा तब तक नहीं किया जब तक मैंने अपने शब्दों को चेंज नहीं किया, जब तक मैं दीन मन होकर उसके सामने नहीं गया। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रहता। अगर तू सेवा करेगा, अगर आशीष तेरे अंदर से निकलेगी, चंगाई तेरे अंदर से निकलेगी, तो तू भी चंगाई से रहित नहीं रहेगा, तू भी आशीष के बिना नहीं रहेगा। वो टाइम था सेवा को करना शुरू किया, आज तक मुंह पीछे नहीं किया, आज तक पीछे नहीं देखा और ना ही कभी देखूंगा। और परमेश्वर ने बरकत को दिया, आशीष को दिया, चंगाई को दिया, हर वो चीज दी जो मैंने मांगी। हालेलुया, हालेलुया। और वही वो आपको देना चाहता है अगर आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो वो कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को दूंगा, क्योंकि वो सबको इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं तो वो क्यों देगा आपको अपना आत्मा, क्यों आपके बेटे और बेटियों को भविष्यवाणी करने की ताकत देगा, क्यों आपके दास दासी पर भी अपना आत्मा उंडेलेगा, क्यों उसने 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतारा, क्यों सिर्फ प्रेरितों के ऊपर नहीं उतारा, 120 में विश्वासी भी थे, इवेंजलिस्ट भी थे, सब पर पवित्र आत्मा क्यों उतारा? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर ने काम मजदूर थोड़े हैं और फसलें पक चुकी हैं कि आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बता सकें। आपको मालूम है यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आए, वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए, वो नशों से आजाद करने के लिए आए, बीमारियों से आजाद करने के लिए आए, कैंसर से छुड़ाने के लिए आए। आपको क्या करना है? आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रीच करना है, तो अपनी दुकान पर प्रचार करो, अपनी जॉब के ऊपर प्रचार करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुकानों पे अगर लड़कियों की बातें 24 घंटे करेंगे तो प्रचार किस रीति से करेंगे? जहां जॉब करते हैं वहीं पे चक्कर हो गया, वहीं कोई ना कोई फंसा लिया है, तो प्रचार कैसे करेंगे? जहां काम करते थे वहीं चोरी कर रहे हैं, तो प्रचार कैसे करेंगे? जिस घर ड्राइवर लगे थे वहीं तेल की चोरी कर रहे हैं, तो उस बॉस को प्रचार किस मुंह से करेंगे? आत्मा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जीवन पाप में जा चुका। और यही शैतान का मकसद था, उसका मकसद आपको पाप में गिराने का यह था कि आप लोग हियाव के साथ परमेश्वर की सेवा ना कर सकें। और शैतान को मालूम है जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा में नहीं है तो उसको उत्तम कभी नहीं मिलेगा, और जब तक आपको उत्तम नहीं मिलता आप क्रिश्चियन है ही नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है इसराइली इसीलिए चुने गए थे कि टॉप पे जाए। मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूं, अगर सेवा करने का ठान लिया आप टॉप पे होंगे, अजनाला में टॉप पे होंगे, अमृतसर टॉप पे होंगे, पंजाब में टॉप पे होंगे, इंडिया में टॉप पे होंगे, इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब पड़ोसी को सेवा करें कैसे, पड़ोसी को बताएं कैसे परमेश्वर के बारे में? उसके साथ तुम रोज चुगलियां करने बैठ जाते हैं, उसके साथ तो इतनी चुगलियां करते हैं कि अपने पड़ोसी अपने आस पड़ोस की सबकी चुगलियां उसके साथ हम कर लेते हैं। अब सेवा के लिए मुंह खुले कैसे? अब आत्मा बात करे कैसे? अब आत्मा पास्टर के लाइफ में काम करे कैसे? जब चार पास्टर इकट्ठा होते हैं तो दूसरे की पांचवे की बुराई करते हैं, और जब पुलपिट पे जाते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता नहीं, लोग चंगे नहीं होते और काम नहीं परमेश्वर करता और चर्चे बढ़ती नहीं। क्योंकि आपको अगर सेवा करनी है तो आपको अलग रहना होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मैं पौलुस प्रेरित जो खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है। अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में है कि आपको एक ग्राउंड में, एक संसार से उठा के, मैं मान लो अमृतसर से उठा के इस ग्राउंड में रख दूं। अब आप ये ग्राउंड तो पूरी घूम सकते हैं, मैं आपको बाउंड्री देता हूं कि ये वाला ग्राउंड जहां लाखों लोग बैठे हैं आप यहां घूम सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के बाहर नहीं जा सकते, ये आपकी बाउंड्री है। उसी तरह पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अलग किया, मुझे एक जगह डिब्बे में तो नहीं बिठाया, एक ग्राउंड में बिठाया है, लेकिन मेरी बाउंड्रीज हैं, इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहकर मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। आप उस जगह नहीं जा सकते जहां सब लोग जाते हैं, आप जहां सब लोग जाते हैं माथा टेकने आप नहीं जा सकते, जो सब लोग खाते आप नहीं खा सकते, आप मसीह लोग वो नहीं कर सकते, उन गानों पे डांस नहीं कर सकते, आप वो नशे नहीं कर सकते जो लोग करते हैं, वो रीति रिवाज नहीं कर सकते जो लोग करते हैं।
क्योंकि आपकी बाउंड्रीज हैं। आप परमेश्वर की सेवा के लिए एक बाउंड्रीज के एक आपका दायरा है जिसके अंदर परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आप उस दायरे के अंदर घूम सकते हैं लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो। और शैतान यही चाहता है, वो कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। वो चाहता है आप बाड़ा तोड़ें और परमेश्वर के वचन के बाहर जाएं। आपकी शादियों में अगर डीजे बजेंगे तो किसकी शादी पे परमेश्वर के सॉन्ग बजेंगे? आपकी शादियां अगर अन्य जातियों की रीति के अनुसार होंगी तो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या काम करेगा? क्या आपको मालूम नहीं आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं? आपके घरों की शादियां, आपके घरों के फंक्शन सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल होने चाहिए अगर आप परमेश्वर की सेवकाई सचमुच करते हैं तो। ऐसा करके देखिए, यह कठिन तो हो सकता है लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, ये आपके कण कण को अंदर तक और वंशों को जनरेशन तक बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भीख मांगने की खुदा से जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राजे का बच्चा कभी भी राजा के पास सुबह जाके भीख नहीं मांगता कि पापा मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। वो राजा मारेगा उसको, जुतियां मारेगा उन, पिटाई करेगा उदी, हाँ कि तू राजे का बच्चा है, तू नाश्ता मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये सब कुछ तेरा है, ये सब तेरा, ये सब पैसा, ये सब शान और शौहरत सब तेरी है, आज सीख कैसे राज करते हैं, ये मुझसे सीख। परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको रोने धोने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको राज करने के लिए बुलाया है, बरकत देने के लिए बुलाया है। हमारा राज इस दुनिया का नहीं है, हमारा राज इस दुनिया का नहीं, हमारा राज आत्मिक है। हम आत्मिक रीति से राज करने के लिए बुलाए गए हैं, हालेलुया। और इस दुनिया में भी बरकत पाने के लिए बुलाए गए हैं। इस दुनिया की सारी आशीषें आप लोगों के लिए पहले बनाई गई हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने इसराइलियों को इसलिए चुना कि सबसे उत्तम कर सकूं, सबसे श्रेष्ठ कर सकूं, सबसे ऊंचा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इसराइली लोग, इसराइली कौम, इब्रानी कौम, हिब्रू कौम, जो इसराइल की जनता है जिसे परमेश्वर ने चुना, 101 करोड़ के देशों ने उसके खिलाफ युद्ध किया लेकिन कभी जीत नहीं सके। उस 50 लाख, उस 70 लाख के देश से वो जीत नहीं सके क्योंकि यहोवा का देश है, वो जीसस क्राइस्ट का देश है, आज भी उसका वचन उस देश पर है। हालेलुया। और आप आत्मिक इजरायली हैं, वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि खुदावंद आज से मैं और मेरा घराना सेवा करेंगे। आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं, आप जहां भी जाते हैं, आप ऐसा नहीं बोलते मैं किसी चर्च का मेंबर नहीं हूं, मैं घर बैठ के वर्शिप करता हूं। बाइबल कहती है हमें किसी ना किसी कलीसिया के मेंबर होना है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि हमें इकट्ठे होना छोड़ना नहीं है, कलीसियाओं की रीति के अनुसार हमें कलीसिया में जाना है, उन सारे वचनों को पूरा करना है जो परमेश्वर ने कहे हैं। हमें सेवा करनी है क्योंकि शैतान चाहता है आपको पाप में गिराए और आपकी सेवा खत्म हो जाए। जब आप पाप में गिर गए, आपकी सेवा खत्म हो गई, आप बाड़े के बाहर चले गए, फिर सांप वहां डसेगा। जीसस क्राइस्ट के पास एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लेके आए, वो खुद ही आ गया, इतनी दुष्ट आत्मा थी उसमें, वो पागल था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, कपड़े डालते कपड़े फाड़ देता था, कब्रों में रहता, चिल्लाता था, नंगा रहता था। जब जीसस क्राइस्ट उसके पास आए तो वो पैरों पांव में गिरा और बोला, हे परम प्रधान ईश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? उसे मालूम था कि ये परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा दी। उसने कहा तुम कितने हो? उसने कहा हम सेना हैं। जीसस ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा सेना। सेना मतलब 5 से 12 हजार की सेना होती थी, रोमी सेना। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जा अथागढ़ में। उसने कहा मुझे वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है वहां भेज दो। यीशु मसीह ने कहा चली जा। और लिखा वो झुंड में जो हजारों का झुंड था, उन सूरों में दुष्ट आत्मा गई और वो झील में झुंड गया और सारे मर गए। चरवाहे आए सूरों के, जीसस क्राइस्ट को बोलने लगे हमारे एरिया से चला जा, तो और भी नुकसान करेगा हमारा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वो दुष्ट आत्माएं, वो ज्यादा थी, 5-7 हजार दुष्ट आत्माएं इकट्ठी थी, इकट्ठी पावर थी एक बंदे में, इतना पागल कर दिया था उसको। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ बहस जीत नहीं पाई और परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं, ठीक है थागढ़ में ना जा, इस झुंड में चला जा। क्या ऐसा था? नहीं। बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। अगर वचन टूटेगा तो सांप वहां जाएगा। सूअर चराना पुराने नियम के मुताबिक पाप था, बाइबल के मुताबिक घृणित काम था। और शैतान ये कह रहा था कि वो देख तेरे वचन के खिलाफ एक काम हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूं। और लीगली शैतान के पास राइट है, उसके पास अधिकार है कि जहां खुदा के वचन टूटेगा वहां वो काम कर सकता है।
और इसीलिए वो उन सूरों में चला गया। आज जब वचन टूटता है तो लीगली शैतान आपकी लाइफ में काम करता है। आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आप प्रभु से बोलते परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, वो होगा क्योंकि शैतान के पास अधिकार है काम करने का अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। इसलिए वचन कहता है, इसलिए मन फिरा हो, इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराकर लौट आओ ताकि परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में आ सकें। जैसे आप मन फिराते हैं, आप नशों से, पाप से, गंदगी से आप मन फिराते हैं, परमेश्वर की ओर से शांति आपकी लाइफ में एंटर करती है। आज वही शांति का पैगाम मैं लेके आया हूँ। मुझे मालूम है आप लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है आप प्रचार करने के लिए तैयार हैं, मुझे मालूम है आप जीसस क्राइस्ट के बारे में रोज बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों, अपने नगरों, मोहल्लों को बचाएंगे और आप टॉप पे होंगे, ये भविष्यवाणी याद रखना। सात बार आमीन चाहिए ऊंची आवाज पे। हालेलुया, हालेलुया, आप हालेलुया बोल रहे हैं, एंजल्स आपके बीच में है राइट नाउ, वो आपको टच कर रहे हैं, हील कर रहे हैं आपको। आप देखेंगे सेकंड्स में, मिनटों में अब लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे और बहरे अपने कानों से सुनेंगे यीशु के नाम में, दुष्ट आत्माओं के जकड़े आजाद होंगे, कर्जे के जकड़े आजाद होंगे, नशे के जकड़े आजाद होंगे इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? जब सेवा करने के बाद मुसीबत आएगी तो खड़े रहने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर को गालियां तो नहीं निकालोगे? वीजा नहीं आएगा, हीलिंग नहीं आएगी, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा तो भाग तो नहीं जाओगे? वो चंगा करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आज इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होंगी आपकी लाइफ में इन जीसस नेम। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आज नाला में क्रूसेड के लिए ये लोग बुला रहे थे तो वो बोल रहे थे कि जगह जगह नहीं मिल रही, जितना जितना पिछले बार क्रूसेड किया था उससे थोड़ी ज्यादा जगह। मैंने कहा थोड़ी ज्यादा नहीं चलेगी। आज पूरा पंडाल पीछे तक भरा हुआ, फिर ओवरफ्लोज लगाए वो भरे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम इससे बड़ी जगह करना है, किलोमीटर आगे इधर को, इधर को आधा किलोमीटर, इस तरह से करना है। और आप देखोगे साल्वेशन की नदियों को बहते हुए, क्योंकि ये मैसेज कि जीसस क्राइस्ट आपके धर्म को चेंज करने नहीं आए, जीवन को बदलने के लिए आए, और आप लोग होंगे जो लोगों की लाइफ को चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में, उसके वचन में से होकर। तैयार हो सेवा करने के लिए परिवार समेत? दो तरह की बुलाहट आपकी लाइफ में। पहली बुलाहट जो जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये सबकी लाइफ में है। जिस तरह दो ज्योतियां हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य बड़ी रोशनी है और चंद्रमा छोटी रोशनी है, सूर्य दिन को प्रभुता करता है और चंद्रमा रात को प्रभुता करता है, उसी तरह दो सच्चाइयां आपकी लाइफ में। पहली ये कि जीसस ने कहा तुम्हारा पहला काम है प्रचार करना, दूसरी सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने उस प्रचार को करने के लिए तुम्हें धरती पर कुछ काम दिया है। कुछ को डॉक्टर बनाया है, कुछ को इंजीनियर बनाया है, कुछ को पॉलिटिशियन बनाया है, कुछ को दुकानदार बनाया है, कुछ को ऑटो वाला बनाया है, किसको पायलट बनाया है, ताकि तुम कमा सको अपने परिवार के लिए और साथ में जीसस क्राइस्ट का काम कर सको, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। तो तुम्हारा पहला काम प्रचार करना है। तुम बोलते हो नहीं मेरी वाइफ बाइबल पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता, मैं काम करता हूं ना, मैं बिजनेस करता हूं, इसीलिए वो बिजनेस परमानेंट नहीं, इसलिए अटैक्स होते हैं और शैतान सब कुछ खत्म करते हैं। इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं, 1870 में मेरा दादा बड़ा अमीर था, 1970 में मेरा बाप बड़ा अमीर था, इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। वो अमीरी बनी रहेगी, वो ताकत बनी रहेगी, आशीष बनी रहेगी, एक्सीडेंट हिस्सा नहीं होंगे, इंसिडेंट हिस्सा नहीं होंगे, बैड न्यूज हिस्सा नहीं होंगी अगर सेवा करोगे इन जीसस नेम। हालेलुया, वो सेवा करते रहना है। आमीन। तुम चाहे हाउसवाइफ हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, फौजी हो, तुम अगर क्रिश्चियन हो,
पहला काम है सेवा करना, दूसरा काम है अपनी ड्यूटी को निभाना और अपने परिवार को पालना। ये काम तुम्हें करने हैं। पहली सच्चाई है जीसस क्राइस्ट की सेवा करना जो सूर्य है। दूसरी सच्चाई धरती पर उस काम को करना जिसके लिए आप बुलाए गए हो, वो नौकरी हो, वो काम हो, वो बिजनेस हो, वो कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। मेरे ख्याल से आप तैयार हैं अभी सेवा करने के लिए, तैयार हैं अभी, क्योंकि बाद में फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा। आप हंसेंगे और शैतान रोएगा, परिवार समेत हंसेंगे और शैतान रोएगा। मैं आपको स्पिरिचुअल बता रहा हूं, मैं आपको ये वचन नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको कुछ ऐसा नहीं, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भविष्य वक्ता के रूप में बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। टॉप प्लेसेस परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, टॉप वन। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग हैरान होंगे ईसाई लोग इस पोजीशन में पहुंच, मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट फैसला के ले लो सेवा करने का। हम वेकेशन जाते हैं, स्पेशल जाते हैं वेकेशन, फैमिली टाइम, लेकिन कभी स्पेशल सुसमाचार सुनाने के लिए गए हैं क्या? कभी रिश्तेदारों के पास, कभी दोस्त के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी अन्य जाति के पास, किसी मोहल्ले में गए सुसमाचार सुनाने के लिए स्पेशल टाइम निकाल के? आपको जाना है, आप उस अनॉइंटिंग को रिसीव करोगे इन जीसस नेम।